देखो मेरी रत्ना सुहागन तैयार करो, लगाओ देर नहीं एक गड्ढा तैयार करो, लगाओ देर नहीं एक गड्ढा तैयार करो, सभी के सामने जिंदा जमी में इसको गड़वा के चली जाए तो मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए मेरी सजाए
बेटा मैंने तो हुक्म दे दिया किसे जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाए। नहीं पिताजी, क्या आपने आपने जिंदा गाड़ने के लिए हुक्म दे दिया के? लेकिन पिताजी सजा कम तो भी हो सकती है। बेटा बिजमा, देखा आज भी मेरे बच्चों के अंदर तेरे लिए हमदर्दी है, लेकिन तूने मेरे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, अफसोस है हमें। आज मेरी समझ में आया कि गंदी नाली के कीड़े को कितना सफाई में लाया जाए, लेकिन उसका ठिकाना गंदी नाली में होता है। तुम एक जंगल की लकड़हारिन हो, राजमहल में रहने योग्य नहीं हो। सोचा था कि तुम अपनी आदत में सुधार लाओगी, लेकिन आज हमें लेकिन बेटा मैंने तो हुक्म दे दिया, ठीक है मैं तेरी बात की कदर करता हूं, मैं विधवा तुझे जीवन दान दे रहा हूं। रणवीर प्रताप सिंह विधवा को इस उड़ीसा राज से बाहर कर दिया जाए। काशी उड़ीसा राज में नजर आती है तो तोप से उड़वा दो, इसके सर से ये शाही ताज उतार लो। महाराज मुझे धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से खुद ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने जिसको 9 महीने गोद में रखा से या पाला सहना कर दिया, आज वही बेटा मेरा गला दबाकर मेरी जान लेना चाहता, और जिसको मैं मरवाना चाहती थी वही बेटा आज मेरी जान की रक्षा कर रहा, मेरी जान बचा रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और आज मेरे हाथ की आई वही कुल्हाड़ी वही लकड़ी। गौना में आई बिकाई हो लकड़ी लई लगोइया, ये लड़की कौन है जो ये छुप छुप कर पीछे खड़ी होती है, ये लड़की कौन है? पिताजी ये लड़की और कोई नहीं, ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। क्या ज्वाला जादूगर की बेटी? हाँ पिताजी। ये यहाँ कैसे आई? पिताजी ज्वाला जादूगर हम लोगों के हाथों मारा गया। क्या ज्वाला जादूगर मारा गया? ये बिचारी इसी के जरिए हमारी जान भी बची है, इसीलिए हम इसे अपने यहाँ अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि ये बेचारी अनाथ हो गई है। बेटा अनाथ का नाम मत लो, मैंने भी अनाथ को सहारा दिया था, लेकिन बेटे अब वो जमाना नहीं रहा अनाथ को सहारा देना। नहीं पिताजी, हर नारी एक जैसे नहीं होती है। हाँ बेटे ये बात सत्य है, हर नारी एक समान नहीं होती, उसके आचार विचार अलग अलग होते। हाँ पिताजी। ठीक है प्रिय यहाँ आओ। प्रिय ये ज्वाला जादूगर की बेटी है, ये अनाथ है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है, अगर इजाजत हो तो
तो इसका विवाह हम गोविंदा के साथ रचा दे। नहीं प्राणनाथ, आप ये क्या कह रहे, गोविंदा की शादी? नहीं प्राणनाथ, आप पहले शादी गौतम की कीजिए, नहीं तो गौतम अपने दिल में क्या सोचेगी कि मेरी माँ नहीं है। इसलिए मैं कुंवारा पड़ा हूँ और रियासत के लोग क्या सोचेंगे प्राणनाथ, इसलिए आप पहले शादी गौतम की कीजिए, फिर गोविंदा के शादी के बारे में देखा जाए। बाप रे माँ, तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी ममता है। प्राणनाथ, मेरे लिए गौतम के दिल में वो ममता है कि मैं कह नहीं सकती। मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन इसको मैं इतना प्यार दूंगी ताकि ये कभी एहसास नहीं करेगा कि मेरी माँ नहीं है। इसलिए मुझे माँ का प्यार नहीं मिल रहा, ये कभी मैं एहसास नहीं होने दूंगी। बाप रे वाह, बेटा गौतम, बेटा ये ज्वाला जादूगर की बेटी है, ये लड़की अनाथ है और ये मेरी चौखट पर आई है। सोचता हूँ किस लड़की की शादी हम तेरे साथ रचा दूँ, तुझे कोई इतराज तो नहीं है? नहीं पिताजी, पिताजी ये शादी हमारे बड़े भैया के साथ में होना चाहिए, क्योंकि इसे मैंने भाभी मान लिया है और बड़ी भाभी माँ के समान होती। पिताजी वाह बेटे, ये तुम नहीं, तुम्हारे रगों के अंदर जो मेरा खून है वो खून बोल रहा है। बी प्रताप सिंह ज्वाला जादूगर की बेटी और बेटे गोविंदा के साथ शादी रचा दो और ये शादी का जश्न श्री दरबार मनाए। लीजिए इसी खुशी में ये हमारे गोविंदा सामने। बेटा तुम दोनों मौजूद हो, बेटा तेरी माँ अब नहीं है, तेरी माँ हमेशा के लिए उड़ीसा ये रियासत का पर हक गौतम का होता तुम्हारा नहीं, ये मेरा ऐलान है। पिताजी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ताज और तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। पिताजी आप लोगों का प्यार चाहिए। पिताजी आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया पिताजी, और मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसका बड़ा भाई रहे छोटे के सर पे ये ताज शोभा नहीं देता है। नहीं गौतम, ये ताज तुम्हें ही मुबारक हो। तिरंगा शान से लहरा रहा